कठुआ न्यूज 24/7 दिखने आए सारे दर्शकों तीश शर्मा तरफों हाथ जुड़े राम राम। सब तो पहले अस इस बार भी गलागे कि थोड़ा जहा अलर्ट रहो क्योंकि आतंकवादी जड़े आ वह आई गए कुत्थे आए हैं। जिहड़ा कूटा के लागे जिहड़ा पौधा सैद सैदा पिंड जिहड़ा गलांदे तो सुहाल उत्थे आई गए हैं। तो मैं तुसें सुनाना कि अस पहले भी सब तो पहले अपडेट भी पाई थी हूँ तो बोलिए सुनाया करने क्योंकि साढ़े इसलिए कैमरामैन उत्थे पुज्जे ते सानू विजुअल ग्राउंड जीरो तो भेजे करदे ओह इस वीडियो च अपलोड करी ओड़ने। 8:30 बजे के करीब का मामला जिहड़ा सानू उत्थे लोकें सुनाया कि तो सानू गोली दी आवाज़ आई हैं तो कन्ने ग्रनेड दी आवाज़ भी आई है। ये उत्थे लोकें दा गलाना क्योंकि उत्थे जिहड़ा DDC हीरानगर अभिनंदन शर्मा भी पुज्जे उन्हें केह गलाया राहुल हंस भी सरपंच भी उत्थे पुज्जे थे उन्हें भी केह गलाया वह भी तुसें गी सनाया पर उंदा एक गलाना है कि जो सानू पता लगे 8:30 बजे के करीब कोई फायरिंग इंसीडेंट होया तो 10 मिनट जिहड़ी फायरिंग चलती रही तो ग्रनेड भी जिहड़ा है ना मिलिटेंट जिहड़े ना वह सुट्टे है तो उहदे बाद जिहड़ा है ना 2 तो 3 लोग जिहड़े आ साढ़े वह इंजर्ड होए दे आ ते उन्हें कि जिहड़ा ना GMC कठुआ जिहड़ा एंबूलेंस च जिहड़ा लिआंदा है ते कन्ने एक मिलिटेंट जिहड़ा ना वह जियां गलाए करदे वह मारी दित्ता दा ये अस नहीं गलाए करने वह गलाए करदे ते उदे कन्ने कन्ने जिहड़ा उत्थे सिक्योरिटी पूरी बड़ी ज़्यादा तैनात करी दित्ती दी है ते तलाशी चले करदे क्योंकि उपर आली साइड जंगल है ते उंदा गलाना है कि केह पता जंगल आली साइड नहीं जिहड़े मिलिटेंट है ना वह चली गए हुण हाले अस कोई पुष्टि नहीं कर सकते किहड़ी साइड गए पर उंदा गलाना केह पता उस साइड चली गए हुण पर दहशत का माहौल है। इहदे कन्ने कन्ने कूटा मोड़ की गल करां ते उत्थे भी जिहड़े साढ़े युवा है स्थानीय युवा उन्हें पूरा नाका लाए दा ते कुसे की जान नहीं दे करदे मतलब कोई अनजान बंदे की जिहड़ा पहचान वाला बंदा जां ग्रां दा बंदा जां मीडिया दा बंदा जां पुलिस दे बंदे जां आर्मी दे जां सिक्योरिटी फोर्स उन्हें की जान दे करदे बाकी सारे की रोके रोकी दित्ता। तो मैं तुसें गी इक्को गल सनागा कि तुस जिहड़े भी उत्थे दे लोग वीडियो दिक्खे करदे आ घर बैठे रहो ते घर बैठिए अस तुसें गी एक एक मिनट बाद जियां जियां सानू शॉर्ट्स आंदे रहेगे अस अपलोड करते रहेंगे पर तुस घरों बाहर नहीं निकलो तुस अपने घर से बैठो ते जो जो अपडेट और सानू आंदे जाएंगे ना वो अस देंदे जाएंगे तो हुण केह-केह गलाया जिहड़े उधर दे लोग है उनका बयान तुस जरूर सुनो।
कितने बच्चे पीछे आओ जी मेरे वाला फिर अपने भाई दे तू रहने दे तू बीपी नहीं बोल यार अभी तक एक या दो लोगों के घायल होने की खबर यहाँ के लोगों द्वारा बताई गई और एम्बुलेंस में अभी वो लेके निकले हैं। तकरीबन 2.5 घंटे पहले जैसा कि ये एरिया हीरानगर में पड़ता है और यहाँ से लोग हमारे संपर्क में हैं, यहाँ से जिला परिषद सदस्य भी हूँ मैं, तो उनका फ़ोन आना कोई तकरीबन 2.5 घंटे मेरे को फ़ोन आया कि 2.5 घंटे पहले फ़ोन आया कि यहाँ पे फायरिंग का इंसिडेंट शुरू हुआ है और तकरीबन 10 मिनट तक फायरिंग चल रही थी जैसा उसने बताया। तो कहता कि भैया अभी फायरिंग बंद हो गई है, जैसे मर्जी पुलिस और प्रशासन को बताया जाए। उसी समय पुलिस से भी बात हुई, SSP जो कि जिला कठुआ से हैं उनसे भी बात हुई, DC से भी बात हुई, उनका कहना था कि हम यहाँ से निकल चुके हैं। और जब दूसरी तरफ बात कर रहा था, बात करते करते ग्रेनेड की आवाज़, बम फटने की आवाज़ जो कि फ़ोन में मैंने भी सुनी कि अभी उन्होंने बम फेंके हैं, उनका कहना था कि अभी वो एक घर में घुसे हैं क्योंकि उस समय लाइट नहीं थी। जिस समय लाइट नहीं थी तो जब दूसरी तीसरी बार लगातार उनसे संपर्क चल रहा था तो बीच में उसने संपर्क करते हुए बताया कि एक आदमी की करहलाने की आवाज़ हमें आ रही है, लेकिन हमें इस डर से नहीं जा रहे कि शायद वो हमारा आदमी है या शायद वो मिलिटेंट है या उसका क्या ऐसा कोई बहकावा है। जब थोड़ी देर अभी हमें खबर आई है कि एक मिलिटेंट मारा भी गया है और दूसरा मिलिटेंट की इधर पास में मंदिर है, सेवती माता का मंदिर सवाल एरिया के ऊपर, उसके बैक साइड थोड़ा सा घना जंगल है, उस घने जंगल में भी शायद वो छुपे हों या इस साइड का जो जंगल गहरी है जिस एरिया में छुपे होंगे। और ये बिल्कुल ही शर्मनाक और नापाक हरकत है पाकिस्तान द्वारा या उन लोगों द्वारा जो कि इस एरिया का माहौल ख़राब करना चाहते हैं। हमारा बहुत ही शांति प्रिय इलाका और हिंदू बहुल इलाका है और इस इलाके में वो खौफ डाल के, इस इलाके में वो ऐसी घटनाएँ करके बताना चाहते हैं कि हाँ हमारे यहाँ के एरिया के लोग या हमारे जम्मू कश्मीर के लोग डर जाएंगे, लेकिन आपके माध्यम से इतना बोलेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोग और खासकर हीरानगर के लोग डरने वाले नहीं हैं और इस हालात में भी हम अपने लोगों के साथ और यहाँ के लोग बिल्कुल ही डटकर खड़े हैं और पूरा पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर अभी भी उनसे संपर्क करके वो काम कर रहे हैं। और अभी इस मौके पर एक आदमी को एम्बुलेंस में लेके अभी लेके गए हैं और उनका कहना है कि उनकी बाजू में हादसा जो अभी सामने आया कि उनकी बाजू में गोली बजी हुई है। और कल भी हमारे मेला गांव में हमारे भाई की निर्मम हत्या की गई, हमारे भाई की शहादत हुई और जिस तरीके से वो गला रेता गया था उसी समय हमें शक था कि ऐसी हरकत हमारे यहाँ के लोग नहीं कर सकते। और प्रशासन से यही अपील है कि जो लोग हमारे एरिया में रहते हुए इन लोगों को कोई स्थान प्रोवाइड करते हैं, इन लोगों को कोई ऐसी जगह छुपने के लिए देते हैं, उन लोगों पे भी कड़ी कार्रवाई की जाए। ये 7:55 की बात है और जैसा कि आप जानते हैं, हमने पिछला आपको पता ही है रविवार रात को जो है हमारे एक भाई की निर्मम हत्या जो है वो गला रेंद के इन लोगों ने की है। और ये सब जो है ये गोरक्षक थे, हमारे सवारे भाई युवा साथी जो हैं, यहाँ पर एक टीम थी जो गोरक्षक के नाम से काम कर रही है और विभाग के साथ मिलकर पूरा जो काम करती थी और प्रयास करती थी कि जो है गो तस्करी का जहाँ जो इस क्षेत्र में है वो ना हो पाए। और कहीं ना कहीं किन्हीं लोगों को ये नहीं पच रहा था कि ये युवा लोग जो हैं वो काम करें और कहीं ना कहीं डीमोरलाइज जो है हमें किया जा रहा था। इसी प्रयास में आज इन लोगों ने क्या किया है कि कल से ये लोग फरार थे और मैं कहूँगा कि क्या बात है एजेंसियों की और क्या बात है सिक्योरिटी फोर्सेज की, अगर रविवार रात को वो हुआ और ये कितने सीरियस हैं ये लोग कि आज वो उन्होंने इतना बड़ा अंजाम जो है वो दिया और पर्टिकुलर टारगेट जो है वो हिंदू क्षेत्रों को किया जा रहा है। यहाँ पे इसी गांव में
साप्ताहिक 7 दिन की जो धार्मिक कथा जो हिंदू धर्म में होती है वो चल रही थी, उसी के शाम को जो है हमारी माता बहनें यहाँ पे जो है वो भजन कीर्तन कर रहे थे, उसी के बीच में ये लोग आए हैं और अंधाधुंध जो है इन्होंने फायरिंग स्टार्ट की है और एक जो है मिलिटेंट वो न्यूट्रलाइज कर दिया गया, एक जो है अभी घना जंगल है, देखेंगे आप जैसे है अभी सिक्योरिटी फोर्सेज तमाम जो हैं वो आ गए ही हैं। अभी ये भी कहना मुमकिन नहीं है कि 2 मिलिटेंट हैं कि 4 हैं, क्योंकि अभी उनसे जो गांव के अंदर लोग थे उनसे संपर्क जिनसे हुआ है कि इन्होंने 4 बताया कि इन्होंने 2 बताया, तो इसकी भी पुष्टि हम लोग नहीं कर सकते कि मिलिटेंट है कितने हैं, पर इतना जो है वो अभी पता चला है कि 1 मिलिटेंट न्यूट्रलाइज कर दिया गया। और आपके माध्यम से ये जो लोग जो वो सुन रहे हैं, मैं ये बिल्कुल अपने युवा साथियों की तरफ से ये बोलना चाहता हूँ कि हम जो हैं अगर आप दबाव से हमें डराने वाले हैं तो हम डरने वाले नहीं,